अगर मैं आपसे बोलूँ कि एक हैबिट को बनने में कितना समय लगता है तो आप बोलोगे 21 डेज या फिर 63 डेज। लेकिन मेरे हिसाब से ये आंसर 50% सही है और 50% गलत है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ इसका जवाब मैं थोड़ी देर में दूंगा, लेकिन पहले मैं ये बता दूं कि आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एटॉमिक हैबिट बुक के बारे में, जिसे लिखा है जेम्स क्लियर ने। और अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हो तो मैं आपको 100% गारंटी देता हूँ कि आपका जो हैबिट बिल्डिंग का प्रोसेस है वो एक नेक्स्ट लेवल पहुँच जाएगा। तो चलो अब बात करते हैं अपने मेन पॉइंट की, जो कि है एक हैबिट को बनने में कितना समय लगता है। तो इसको मैं एक एग्जांपल की मदद से समझाता हूँ। मान लो ये दोनों दोस्त हैं और इन दोनों को ही स्मोकिंग की हैबिट होती है और ये दोनों ही इस हैबिट को चेंज करना चाहते हैं। तो इन्होंने कहीं पर देखा था अगर तुम 21 दिन तक एक पर्टिकुलर हैबिट नहीं करोगे तो वो हैबिट तुम्हारी लाइफ से कम्प्लीटली रिमूव हो जाएगी। तो इन्होंने बिल्कुल वैसा ही किया, इन्होंने 21 दिन तक सिगरेट को हाथ तक नहीं लगाया। लेकिन जब 21 दिन के बाद ये एक पार्टी में गए और वहाँ पे इनको सिगरेट ऑफर करी गई, तो इन दोनों में से पहला जो बंदा था उसने सिगरेट के 10 पैकेट खत्म कर दिए और दूसरे बंदे ने सिगरेट को देखा भी नहीं। अब ऐसा हुआ क्यों, इसके पीछे की चलो साइकोलॉजी समझते हैं। ऑथर बताते हैं एक हैबिट के 3 लेयर होते हैं। सबसे बाहरी लेयर होता है रिजल्ट का और उससे अंदर वाला होता है एक्शन का, और सबसे कोर वाला होता है आइडेंटिटी का, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट होता है। क्योंकि अगर आपकी आइडेंटिटी स्ट्रांग होगी तो वो चीज आपको एक्शन लेने के लिए ट्रिगर करेगी, और जब आप एक्शन लोगे तो आपको रिजल्ट तो 101% मिलेंगे। तो अगर आपको एक हैबिट बिल्ड करनी है तो सबसे पहले आपको अपनी आइडेंटिटी को स्ट्रांग करना पड़ेगा, क्योंकि जितनी आपकी आइडेंटिटी स्ट्रांग होगी आपकी हैबिट बिल्डिंग उतनी ही फास्ट होगी। तो अब आप मुझे ये बताओ कि क्या आप ऐसा इंसान बनना पसंद करोगे जो कि 21 दिन के बाद सिगरेट के 10 पैकेट खत्म कर दे, या फिर दूसरा जो डे 1 से ये मान ले कि मैं सिगरेट को तो हाथ ही नहीं लगाता। तो अब बात करते हैं अपने सेकंड पॉइंट की, और इस सेकंड पॉइंट में मैं आपका एक बहुत बड़ा मिथ भी तोड़ूंगा। काफी सारे लोगों को ये लगता है कि हैबिट अच्छी भी होती है और खराब भी, लेकिन ऐसा नहीं है। ऑथर के हिसाब से हैबिट हैबिट होती है, वो अच्छी या बुरी नहीं होती, ये डिपेंड करता है लॉन्ग रन में उसका इम्पैक्ट कैसा है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर एक पर्सन को डिप्रेशन हो रहा है तो वो चॉकलेट खा लेता है, तो शॉर्ट टर्म में तो उसे कुछ नहीं होगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर वो हर बार डिप्रेस होगा और हर बार चॉकलेट खाएगा तो इससे उसकी हेल्थ पर बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट होगा। तो आई होप आपको ये पूरी तरीके से समझ में आ चुका होगा कि हैबिट अच्छी या बुरी नहीं होती, हाँ लेकिन उसका इम्पैक्ट नेगेटिव या पॉजिटिव हो सकता है। तो अब बात करते हैं अपने थर्ड पॉइंट की, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है, हाउ टू बिल्ड अ हैबिट। तो मेरे भाइयों, इसके लिए ऑथर ने 3 स्टेप का एक फॉर्मूला बताया है, जिसमें से स्टेप नंबर 1 है अपने ट्रिगर को पहचानो। जैसे एक गोली को शूट होने के लिए ट्रिगर को दबाना पड़ता है, वैसे ही एक हैबिट को एक्टिवेट करने के लिए ट्रिगर का होना बहुत जरूरी है। फॉर एग्जांपल, जब आप फोन यूज करते हो और जब आप ये देखते हो कि इंस्टाग्राम पर एक नोटिफिकेशन आया है, तब आपका ट्रिगर स्टार्ट हो जाता है, और उसके बाद आप ये सोचने लगते हो कि क्या किसी ने मेरी फोटो को लाइक किया। और उसके बाद होता क्या है, आप इंस्टाग्राम खोलते हो और 2-3 घंटे उस पर स्पेंड कर देते हो। तो यहाँ पे ट्रिगर होता है आपका इंस्टाग्राम का नोटिफिकेशन। तो अगर आपको एक हैबिट को बिल्ड करना है तो उसके लिए आपको एक ट्रिगर को सेट करना बहुत जरूरी है। जैसे अगर आपको एक्सरसाइज की हैबिट बिल्ड करनी है तो आपका जो ट्रिगर है वो कुछ ऐसा होना चाहिए जो कि आपको बार बार ये याद दिलाए कि आपको एक्सरसाइज करनी है। इसके बाद आता है सेकंड पॉइंट, जो कि है मेक इट इजी। अगर मैं पिछले वाले एग्जांपल को ही लूं तो आपको इंस्टाग्राम का नोटिफिकेशन चेक करने में कितना समय लगा होगा, मुश्किल से 5 सेकंड भी नहीं लगे होंगे। तो यही सेम चीज आपको अपनी हैबिट के साथ भी करना है, यानी आपको अपनी हैबिट्स को इतना आसान बना देना है कि वो आपके लिए बच्चों का खेल हो जाए। जैसे अगर आपको जॉगिंग के लिए जाना है और अभी आप बिस्तर पर लेटे हुए हो, तो आपको अपने आप से ये कमिटमेंट करनी है कि मैं जॉगिंग के लिए नहीं जाऊंगा, मैं बस थोड़ा बाहर जाके देखूंगा। और जब आप बाहर जाओ तब आप अपने आप से ये कमिटमेंट करो कि मैं बाहर तो आ चुका हूँ, अब मैं बस गली के बाहर ही जाऊंगा। और ऐसे धीरे धीरे करके, यानी स्मॉल स्टेप लेते लेते आप अपने फाइनल गोल तक पहुँच जाओगे। इसके बाद थर्ड स्टेप आता है मेक इट सेटिस्फाइंग। जैसा कि मैंने बोला, जब आपको ये पता चला कि इंस्टाग्राम पर आपकी फोटो को किसी ने लाइक किया, तो इससे आपके ब्रेन में डोपामाइन रिलीज हुआ, जो कि आपको अच्छा फील कराने में मदद करता है। तो अगर आप एक हैबिट में ये 3 स्टेप इंप्लीमेंट कर लेते हो तो आपकी जो हैबिट होगी वो कोर हैबिट्स में से एक हो जाएगी। अब बात करते है अपने फोर्थ पॉइंट की, जो कि है हाउ टू रिमूव ओल्ड हैबिट। इसके लिए भी ऑथर ने हमें 3 स्टेप का एक तरीका बताया है, जिसमें से सबसे पहला है अपने ट्रिगर को हटा दो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको सोशल मीडिया यूज करने का एडिक्शन है तो आपको सबसे पहले सारे के सारे नोटिफिकेशंस को ऑफ कर देना है, क्योंकि जब आपके पास कोई ट्रिगर ही नहीं होगा तब आप उस हैबिट को करने के बारे में सोचोगे नहीं। इसके बाद सेकंड स्टेप आता है उसको हार्ड बनाओ, यानी आपको क्या करना है, आपके जितने भी सोशल मीडिया अकाउंट्स है उसमें इतने ढेर सारे पासवर्ड लगा देने हैं कि जब आप उस ऐप को यूज करने जाओ तब आपको बहुत ही ज्यादा टाइम लगेगा उन लॉक्स को अनलॉक करने के लिए। इससे होगा ये, आखिर में आप फ्रस्ट्रेटेड होके उस ऐप को ही हटा दोगे। थर्ड स्टेप आता है मेक इट
अनसेटिस्फाइंग, यानी सोशल मीडिया पर 2-3 घंटे बर्बाद करने के बाद आपको कैसा महसूस होता है? ऑब्वियसली आपको गिल्ट महसूस होता है। तो वही सेम चीज आपको अपनी बाकी ओल्ड हैबिट के साथ भी करनी है। तो ये तो बात हुई इंटरनल फैक्टर्स की, अब बात करते हैं एक्सटर्नल फैक्टर्स की, यानी हमारा एनवायरनमेंट। क्या हमारा एनवायरनमेंट हमारे हैबिट बिल्डिंग के प्रोसेस को आसान बना देता है? तो इसका जवाब है यस। जितना अच्छा आपका एनवायरनमेंट होगा उतनी ही आसानी से आप अपनी हैबिट को भी बिल्ड कर पाओगे। एग्जांपल के लिए अगर आपको वेट लूज करना है और आपको एक ऐसे घर में रख दिया जाए जहाँ पर हर जगह जंक फूड हो, तो क्या आप अपने वेट को लूज कर पाओगे? ऑब्वियसली नहीं। तो एनवायरनमेंट हमारे हैबिट बिल्डिंग के प्रोसेस में एक बहुत बड़ा रोल निभाता है। तो अब मैं आपको एक ऐसी टेक्निक बताने जा रहा हूँ जिसकी हेल्प से लिटरली आप अपनी हैबिट बिल्डिंग जर्नी को 10x स्पीड से बढ़ा सकते हो, और वो टेक्निक है इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशन। तो ऑथर के हिसाब से आपको इस हैबिट को कुछ इस तरह से यूज करना है। सबसे पहले आपको ये डिसाइड कर लेना है कि आपको एक पर्टिकुलर हैबिट किस जगह और कितने बजे करनी है, क्योंकि ऐसा करने से आपका जो माइंड होता है वो अलर्ट हो जाता है कि मुझे इतने बजे ये वाली हैबिट करनी है। तो आई होप आपको इस वीडियो से काफी कुछ सीखने को मिला हो, और अगर आपको ये जानना है कि एक मॉन्क की तरह कैसे सोचे तो आप हमारी ये वाली वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। इसके अलावा ऐसे और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।